नमस्कार, अपने सुन रहल छी मिथिला मिरर वेब रेडियो और हम छी ललित नारायण झा। देश में कोरोना संकट अब धीरे धीरे भयावह रूप लेने जा रहल अछि। एखन धरि देश में 18,985 गोटे संक्रमित भऽ गेला, जखन कि 3,260 रोगी ठीक भऽ घर वापसी कऽ गेल छथि। एहि बीमारी में एखन धरि 603 गोटे के जान सेहो चलि गेलनि। पछिला 24 घंटा के बात करी तो 24 घंटा में 1329 नव संक्रमित व्यक्ति पाओल गेला, जखन कि एहि दरमियान 44 गोट नव रोगी के मृत्यु सेहो भऽ गेलनि। कुल मिलाकर अगर बात करी तो देश में एखन सक्रिय रोगी की संख्या 15,122 अछि। बिहार सरकार एकटा पैघ फैसला लेत, राज्य के 4,000 पैक्स के जन वितरण लाइसेंस के 3 महीना के लेल तत्काल प्रभाव से निलंबित कऽ देलक अछि। राज्यक सहकारिता मंत्री राणा रणधीर जानकारी देत कहला जे मुख्यमंत्री के निर्देश पर एहन कार्रवाई कयल गेल। मुख्यमंत्री गहूम खरीद के प्राथमिकता दैत एहन तरहक निर्णय लेलनि जे किसान सब पैक्स के माध्यम से अपन फसल के बेच सकत। अब सरकार गहूम खरीद के लक्ष्य बढ़ाकर 2,00,000 मीट्रिक टन से 7,00,000 मीट्रिक टन कऽ देलक अछि। एतबे नहि, रद्द लाइसेंसिंग दुकान के नजदीकी डीलर के माध्यम से अनाज उपलब्ध करेबाक लेल सेहो कहल गेल अछि। बिहार सरकार कोरोना बंदी के देखैत किसान सब के कोनो दिक्कत नहि होइन, एहि लेल धान खरीद के तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल और गहूम खरीद के लेल अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित कयलक अछि। निश्चित रूपे ई किसानक लेल एकटा सुखदगर खबर अछि। बता दीजिए, एहि साल एखन धरि 18,00,000 मीट्रिक टन धान खरीद कयल गेल अछि, जखन कि सरकार के लक्ष्य 30,00,000 मीट्रिक टन के छल। एहि बेर समर्थन मूल्य 1,815 प्रति क्विंटल देल जा रहल छै। बिहारक मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्यक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एकटा आदेश जारी करैत राज्यक सब प्राइवेट डॉक्टर सब के काज पर वापिस लौटबाक निर्देश देलनि। जारी कयल गेल आदेश में कहल गेल अछि जे डॉक्टर सब अपन क्लिनिक नहि खोलता वा जे डॉक्टर कोनो निजी अस्पताल में कार्यरत छथि, जो अस्पताल जा रोगी के इलाज नहीं करता तो हुनका सभक विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई कयल जायत। एहि आदेश के समर्थन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहार इकाई सेहो कयलक अछि। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के सहायक द्वारा लॉकडाउन के तोड़ैत माछ भातक भोज पर बिहार पुलिस के महानिदेशक के आदेश के बाद कार्रवाई करैत मंत्री के सहायक पिंटू यादव के गिरफ्तार कऽ लेल गेल और 3 वरीय अधिकारी के सेहो निलंबित कऽ देल गेलनि। बता दीजिए, जहानाबाद जिलाक सुगांव में बीतल 15 अप्रैल का भोज भात कयल गेल छल, जाहि में जिलाक SDPO प्रभात भूषण श्रीवास्तव, BEO BDO सहित जिला के कतेको वरीय अधिकारी और आसपासक 100 से बेसी लोग शामिल भेल छलाह, जकरा बाद मंत्री के किरकिरी खूब भेल छलनि। बिहार सरकार लॉकडाउन के कारण प्रभावित भेल लोक सभक मदद करबाक लेल 1,000 रुपया हरेक परिवार के देबाक बात कहि रहल अछि। राज्यक सूचना सचिव अनुपम कुमार जानकारी देलनि जे जीविका दीदी द्वारा कयल गेल सर्वे के आधार पर जरूरतमंद एहन परिवार जिनका लग राशन कार्ड नहीं छनि, हुनका लोकनि के सेहो आब सहायता राशि देल जायत। सचिव के मुताबिक एखन धरि 9,60,000 लोक के चिन्हित कयल गेल अछि और बाकी लोकक पहचान सेहो कयल जा रहल अछि। बता दी जे राशन कार्ड लेल आयल 30 लाख आवेदन में से 11.5 लाख सही पाओल गेल अछि और बाकी के जांच सेहो कयल जा रहल अछि। बिहारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के आपदा प्रबंध विभाग के एकटा आदेश देलनि जे राज्यक विभिन्न जिला में गरीब लोक सब लेल चलाओल जा रहल आपदा केंद्र में रहय वाला लोक सब के बाढ़ राहत जना सुविधा देल जाय। आपदा प्रबंधन सचिव प्रत्यय अमृत एहि संबंध में कहलनि जे जना बाढ़ में लोक सब के गुणवत्ता युक्त भोजन के अलावा आवश्यक वस्तु जना कपड़ा लत्ता बर्तन कोलगेट सर्फ साबुन तेल इत्यादि देल जायत छलनि, तहिना आब लोक सब के ई सुविधा मुहैया कराओल जायत। आब पुरुष के धोती लुंगी गंजी गमछा देल जतनि तो स्त्री लोकन के साड़ी और अन्य अंग वस्त्र सेहो देल जतनि। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे राज्य के लोक सब से अपील कयलनि जे अफवाह पर ध्यान नहि दी, आम लोकक लेल लॉकडाउन 3 मई धरि लागू अछि। राज्य के जिला सब में किछु लोक के सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के शर्त पर काज करबाक अनुमति देल गेल अछि। आम लोक के लेल लॉकडाउन के पालन करनाय पूर्ण रूप से अनिवार्य अछि। जनतब दी जे बिहार में कतेको जिला में 20 तारीख का लोक सब हाट बाजार निकल गेल छला, जाय के बाद पुलिस के लॉकडाउन करेबा में परेशानी भेलै। बिहार के अररिया में सरेआम एकटा होमगार्ड सिपाही के उठा बैठक और पैर पकड़बाक मामला पर संज्ञान लेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के DGP से पूरा रिपोर्ट मांगलनि अछि। एहि मामला में DGP कहलनि जे कोनो हालत में अधिकारी के छोड़ल नहीं जायत और हुनका पर कार्रवाई कयल जतनि। बता दीजिए, अररिया जिला के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार अपन रौप देखाबैत होमगार्ड के सिपाही द्वारा पास मंगला पर ओहि सिपाही के सरेआम बेइज्जती केने छला। एकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भऽ गेल, जकरा बाद ई मामला मुख्यमंत्री तक पहुँचल।
बिहार में एकदम से मौसम के मिजाज बदल गेल छै। रवि दिन से लगातार कतौ ने कतौ बरखा या फिर कतौ बरखा के संग संग पाथर सेहो खसि रहल अछि। मौसम विभाग बिहार में ग्रीन अलर्ट जारी कयलक अछि। एहि के मुताबिक अगला 24 अप्रैल धरि अन्हर बिहार के संग संग बरखा और पाथर सेहो खसैत रहत। मौसम विभाग के मुताबिक ई उत्तर प्रदेश और झारखंड में बनल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भ रहल अछि। वैशाली जिला के शहीद सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल राजीव शर्मा के पूरा राजकीय सम्मान के संग अंतिम विदाई देल गेलनि। हिनकर अंतिम विदाई में लोक सब सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत करीब 5 किलोमीटर धरि फूलक बरखा करैत रहला। बता दी जे शहीद राजीव शर्मा 19 अप्रैल का जम्मू में भेल आतंकी हमला में शहीद भ गेल छला और हुनकर पार्थिव शरीर सोम दिन पटना पहुंचल। तकरा बाद हुनक पैतृक गांव वैशाली जिलाक पटेढ़ी बेलसर लौ जायल गेल। पार्थिव शरीर अयलाक बाद परिजन समेत पूरा गांव शोकाकुल अछि। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी कयल गेल गाइडलाइंस के मुताबिक सोम दिन से राज्य के विभिन्न जिला में सरकारी कामकाज शुरू भ गेल अछि। ऑफिस में घुसबा से पूर्व लोक सब के थर्मल स्क्रीनिंग कयल जा रहल छन और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन सेहो कयल जा रहल अछि। जनतब दी जे एखन सरकारी कार्यालय भोरक 10 बजे से बेरुपहर 4 बजे धरि होइत अछि और सिर्फ जरूरी कामकाज कयल जा रहल अछि। भारत सरकार के पंचायती राज्य मंत्रालय बिहार के सीतामढ़ी जिला सिंहवाहिनी पंचायत द्वारा कोरोना महामारी से बचाव लेल कयल जा रहल काज के प्रशंसा कयलक अछि। संगे पंचायत के मुखिया ऋतु जायसवाल के नाम एकटा चिट्ठी लिख प्रोत्साहन सेहो देलक अछि। बता दी जे सीतामढ़ी जिला में एखन धरि कोरोना के कोनो पॉजिटिव रोगी नहीं पाओल गेला और जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा के नेतृत्व में घरे घरे स्क्रीनिंग कयल जा रहल अछि और संदिग्ध लोकन के खूनक सैंपल लो जांचक लेल सेहो भेजल जा रहल अछि। बिहार में कोरोना रोगी की संख्या जाहि तरह बढ़ रहल अछि निश्चित रूप से राज्य के लेल ओ एकटा चिंताक विषय बनल जा रहल अछि। पिछला 36 घंटा में 30 नव कोरोना पॉजिटिव रोगी हेबाक पुष्टि राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार कयलनि। नव पाओल गेल रोगी में 17 टा नालंदा पटना के 1 मुंगेर के 7 बक्सर के 4 रोहतास के 1 रोगी छथि। जखन कि मंगल दिन ई आंकड़ा 13 छल। एहि में से किछु लोग कोरोना पॉजिटिव रोगी के संपर्क में अयलाक बाद संक्रमित भेला। कोरोना संक्रमण अब बिहारक नव जिला में सेहो पैर पसारि रहल अछि। सोम दिन भोजपुर तब मंगल दिन रोहतास में कोरोना रोगी हेबाक सूचना राज्य के स्वास्थ्य विभाग जारी कयलक अछि। आब जो कोरोना पॉजिटिव रोगी के संख्या में जिलावार बात करी तो सिवान में 29, नालंदा 28, मुंगेर 27, बेगूसराय में 9, पटना बक्सर में 8, गया में 5, गोपालगंज नवादा में 3, सारण लखीसराय भागलपुर वैशाली भोजपुर और रोहतास में 1-1 रोगी छे। एक दिस राज्य में कोरोना संक्रमित रोगी की संख्या बढ़ल जा रहल है तो दोसर दिस खुशी की बात ई जे पॉजिटिव रोगी में से ठीक भेनिहारक संख्या सेहो लगातार बढ़ रहल है। एखन धरि 42 गोट रोगी ठीक भ कऽ अपन घर जा चुकल छथि और जना कि अपने एक जनतब है जे 2 गोट रोगी के निधन पहले भ गेल छन। जो जिलावार ठीक भेल रोगी के बात करी तो सिवान के 17, मुंगेर के 6, पटना के 5, गया के 4, गोपालगंज 3, नालंदा के 2, बेगूसराय नवादा सारण लखीसराय भागलपुर के 1-1 रोगी ठीक भ अपन घर वापस जा चुकल छै। बिहार हेल्थ सोसाइटी द्वारा जारी कयल गेल आंकड़ा के मुताबिक 20 अप्रैल धरि राज्य में कुल 12,077 सैंपल के जाँच कयल गेल। सोम दिन जाँच कयल गेल सैंपल के संख्या 672 छल जखनकि मंगल दिन ई संख्या 998 पहुँच गेल। एखन धरि प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुल 126 सैंपल पॉजिटिव पाओल गेल अछि। राज्य के स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक दिन ब दिन जाँचक संख्या बढ़ाओल जा रहल अछि। हालांकि जाँच रिपोर्ट पर अब शक एहि दुआरे भ रहल अछि जे एक व्यक्तिक जाँच एक अस्पताल में पॉजिटिव तो दोसर अस्पताल में नेगेटिव आयल अछि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा अब बिहार में दोसर सबसे पैघ कोरोना हॉटस्पॉट बनल जा रहल अछि। सोम दिन अचानक 17 नव रोगी नालंदा में भेटलाक बाद जिला में कुल पॉजिटिव रोगी के संख्या बढ़कर 28 भ गेल अछि। जानकारी के मुताबिक दुबई से वापस आयल एकटा व्यक्ति के संपर्क में अयला से पीएचसी डॉक्टर समेत 26 लोग संक्रमित भ गेल छला। हालांकि एखन धरि जिलाक 2 टा रोगी ठीक भ अपन घर जा चुकल छथि। बिहार शरीफ के सीमा के सील कऽ देल गेल अछि और ड्रोन से इलाका के नजर राखल जा रहल अछि। मुंगेर में कोन तरह कोरोना पॉजिटिव रोगी की संख्या बढ़ल एकर अब खुलासा भ रहल अछि। जिलाक सिविल सर्जन पुरुषोत्तम कुमार कहलनि जे जिलाक जमालपुर के एकटा 60 वर्षीय निवासी नालंदा में आयोजित जमात के हिस्सा बनल छल और नुकाइत फारबिसगंज सहरसा अररिया शेखपुरा होइत अपन घर आयल छल। स्थानीय प्रशासन से ई बात सेहो छुपायल गेल। एहि से हुनके परिवार के 9 लोग संक्रमित भ गेला। एतबे नहि ई लसैर पसरैत पसरैत पड़ोस में सेहो चलि गेल। जिला प्रशासन द्वारा एकर लिंक खंगाइल एखन धरि 82 लोकक सैंपल लऽ जांच लेल भेजल गेल अछि आ एखन धरि जिला में कुल रोगीक संख्या 27 भऽ चुकल अछि।
बांका के जिलाधिकारी सुहर्ष भगत आ पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता मीडिया संग बातचीत करे जानकारी दिलन जे जिला में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक छूट देल गेल अछि और सामान्य काज काम शुरू करबाक निर्देश जारी कयल गेल अछि। जिला में एखन धरि कोनो कोरोना रोगी नहि अछि और घर घर जाँच कयल जा रहल अछि। एहतियातन जिला के सब सीमा के सील कऽ देल गेल अछि। एसपी कहलनि जे एखन धरि जिला में लॉकडाउन तोड़बाक मामला में 24 केस दर्ज कयल गेल और 22 गोटे के गिरफ्तार सेहो भेलनि। जुर्माना स्वरूप एखन धरि 20 लाख टका के वसूली सेहो कयल गेल अछि। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार जानकारी साझा करैत कहलनि जे जिला में घरे घरे कोरोना जाँच कयल जा रहल अछि और संदिग्ध लोकक खून के जाँच लेल सेहो भेजल जा रहल अछि। एखन धरि 4 लाख घर के सर्वे भऽ चुकल अछि। जिला में एखन धरि 1 कोरोना पॉजिटिव रोगी भेटल छल, आब वो ठीक भ घर वापस जा चुकल छथि। रोगी के ट्रेवल हिस्ट्री छलनि और वो विदेश से घर आयल छला है। दरभंगा में कोरोना जांच लेल जिला के विभिन्न गांव और शहर में सर्वेक्षण कयल जा रहल अछि। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन बतौलनि जे जिला में लगभग 4 लाख लोग के जाँच कयल जा चुकल अछि, जाहि में शहरी क्षेत्र के लगभग 36,000 और बाकी ग्रामीण क्षेत्र के लोग सब छथि। एखन धरि सर्वे में संदिग्ध पाओल गेल 36 सैंपल के जाँच लेल भेज देल गेल अछि, जखनकि जिला में सिविल सर्जन के और टीम गठित कयल जा रहल अछि। बता दी जे जिला में 11 लाख लोग के स्क्रीनिंग करबाक लक्ष्य तय कयल गेल अछि। मधुबनी के जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र के मुताबिक एखन धरि जिला से 293 कोरोना संदिग्ध लोकक सैंपल कोरोना जांच लेल भेजल गेल अछि, जाहि में से 273 रिपोर्ट नेगेटिव आयल अछि और 21 रिपोर्ट आयब बाकी अछि। जिलाधिकारी कहलनि जे लॉकडाउन के सख्ती से पालन करेबाक लेल ग्रामीण क्षेत्र में लागि रहल हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराओल जा रहल अछि। शहर के सब सीमा के सील कऽ देल गेल अछि और CCTV कैमरा से निगरानी सेहो कयल जा रहल अछि। बता दी जे जिला में एखन धरि कोनो कोरोना के रोगी नहीं भेटल छथि। आजुक अंक में एतबे। नमस्कार।